हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन में, जहां मैं चर्चा करता हूं म्यूज़िक के विषय पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं ट्वेल्थ को लेकर के। टेंथ कंप्लीट है भैया, टेंथ का एग्ज़ाम हो गया तो चिंता नहीं है। टेंथ को और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था उनको, जब उन्होंने मेरा चैनल से उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी। तो आज मैं ट्वेल्थ के लिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ग्राम किसे कहते हैं वर्णन कीजिए। ओ भैया, ये आपको 6 नंबर भी दिला सकता है, ये आपको 2 नंबर भी दिला सकता है, ये आपको 4 नंबर भी दिला सकता है, ये आपको 3 नंबर भी दिला सकता है, लेकिन ये प्रश्न आपको नंबर ज़रूर दिलवाएगा। तो बहुत ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें, ग्राम किसे कहते हैं वर्णन कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मेरे बने हुए नोट जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा सुन करके, सीख करके। ऐसे मक्खन की तरह समझ में आएगा, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आज आपको समझा रहा हूँ। तो हम इसको पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, वैसे तो छोटा है काफ़ी बुक्स के अंदर, लेकिन मैंने हर तरह से इसको जोड़ करके इसको बना करके लिखा है। बहुत मज़ा आएगा, कहीं से भी कोई भी नंबर नहीं कट सकता। आपका कोई उम्मीद मत करना कि नंबर कोई कट जाएगा, क्लियर, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से देख लिया तो। तो आइए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ग्राम क्या है भाई? ग्राम प्राचीन काल में संगीत में ग्राम का प्रचलन था, ठीक है। प्राचीन काल के संगीत में, जो प्राचीन काल था हमारा बहुत पहले, मतलब प्राचीन काल का मतलब ये होगा कि 0 से 800 ईस्वी के बीच में, ठीक है, 0 से 800 ईस्वी के बीच में प्राचीन काल माना जाता है, ठीक है। और फिर जो 801 से जो आगे 15वीं शताब्दी है उसके आसपास जो है वो माना जाता है, वो हमारा बीच वाला जो काल है मध्यकाल माना जाता है। और आज का जो युग है ये हमारा आधुनिक काल है। तो प्राचीन काल के संगीत में ग्राम का प्रचलन था, ग्राम, ठीक है। तो ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे इन चीज़ों से परे हैं, क्योंकि आज की ही बातें समझते हैं ज़्यादा, लेकिन ये प्राचीन काल की मैं बात लेके आ रहा हूँ। आज से कम 1500 साल पहले चलते हैं तो बताते हैं कि ग्राम क्या था। ग्राम शब्द का साधारण अर्थ क्या है? गांव। देखो ग्राम क्या है, जैसे ग्राम, गाँव, विलेज, क्लियर। तो विलेज गाँव में क्या होता है, गाँव में लोग रहते हैं, परिवार के रूप में रहते हैं, घर बना कर रहते हैं, आजकल शहरों में रह रहे हैं, लेकिन पहले जो क्या होता था, गांव, गांव बोलते थे उनको। तो जिस प्रकार जहां पर बहुत सारे परिवार रहते हों उसे गांव कहते हैं। ये सिर्फ मैं एक इसका अर्थ बता रहा हूं, ठीक है, ग्राम शब्द का अर्थ बता रहा हूं, उसे गांव कहते हैं। उसी प्रकार प्राचीन काल के संगीत पद्धति में निश्चित श्रुति अंतरों के अनुसार 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं, जिसे देखो अब यहाँ पर हमको समझने की बात है कि जिस प्रकार एक गाँव में कुछ लोग रहते हैं परिवार के रूप में, वैसे ही हमारी 22 श्रुतियाँ हैं, 22 श्रुतियों पर 7 स्वर बैठे हुए हैं, 22 श्रुतियों पर 7 स्वर बैठे हुए हैं। मैं बता देता हूँ किस हिसाब से बैठे हुए हैं। जैसे कि मान लो ये हमारी 22 श्रुतियाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी 22 श्रुतियाँ मान के चलो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, क्लियर। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि 22 हैं तो यहाँ पर 7 स्वर बैठे हुए हैं, कौन कौन से, सा रे गा मा पा धा नी, क्लियर। अब ये कैसे कैसे बैठे हैं, देखो एक तो बैठा है 4 पर सा, ठीक है, फिर है रे 7 पर, फिर 9 पर है गा, फिर 13 पर है माँ, फिर 17 पर है पा, ठीक है, फिर 20 पर है था, देन 22 पर है नी। देखो ये स्वर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि मैंने किस हिसाब से समझाया। देखो सा रे गामा पा धा नी, ये 22 श्रुतियों के ऊपर निवास कर रहे हैं। तो अभी मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा इसको, बहुत प्यारे तरीके समझाऊंगा, इसमें बिल्कुल भी कतई भी आपको चिंता करने की बात नहीं है कैसे समझ में आएगा। बस मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है, क्या एग्जांपल दिया है कि जिस प्रकार गांव में कुछ लोग रहते हैं परिवार के रूप में, वैसे ही ग्राम में जो संगीत का जो ग्राम है उसके अंदर श्रुतियों के ऊपर, कितनी श्रुति के ऊपर, 22 श्रुतियों के ऊपर 7 स्वर निवास करते हैं,
क्लियर, उसको हम ग्राम कहते हैं, संगीत में ग्राम कहते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कुछ बता रहे हैं, आगे की बातें हम समझ लेते हैं। जैसे व्यक्ति से परिवार और परिवारों से गांव बनता है, वेरी गुड, उसी प्रकार श्रुति से स्वर, स्वरों से ग्राम बनता है। श्रुति, ठीक है, कुछ श्रुतियाँ मिलकर के, नाद से श्रुति, कुछ श्रुतियाँ मिलकर के स्वर बनाती हैं। जैसे कि मान लो मिट्टी के कुछ कण उठा लेंगे तो हम एक छोटा सा कंकर बनता है, कंकर को मिला दिया जाए तो एक छोटा सा बड़ा पत्थर बन जाता है, और उनको भी सब कुछ बना दिया जाए तो एक महल बन जाता है, एक चट्टान बन जाती है, एक पहाड़ बन जाता है। तो ऐसे ही इनकी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई है उसको बोलते हैं नाद, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके बाद नाद से बनते हैं श्रुति, श्रुति से बनते हैं स्वर, स्वर से बनते हैं ग्राम, ग्राम से बनती हैं मूर्छनाएँ, मूर्छनाएँ से बनती हैं आगे राग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्राम शब्द की परिभाषा देते हुए पंडित शारंगदेव जी, देखो इनका वर्णन बार बार हो रहा है और पंडित शारंगदेव जी का बारे में आपको बताना भी है, ठीक है ना। पंडित शारंगदेव जी के बारे में बताना है क्योंकि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था संगीत रत्नाकर। पंडित शारंगदेव जी ने लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ग्राम स्वरों का ऐसा समूह है जिनमें मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके। वाह वाह, देखो ग्राम स्वरों का ऐसा स्वर समूह जिससे मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके, मतलब यहाँ पर मूर्छनाएं बन रही हैं, मूर्छनाएं बन रही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो श्रुति, ना से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से ग्राम, वो ग्राम से मूर्छनाएं बन रही हैं। इससे ज्ञात होता है कि ग्राम और मूर्छना का गहरा संबंध है। बिल्कुल आसान, ठीक है, यहाँ से हम बता सकते हैं गहरा संबंध क्यों है, क्योंकि ग्राम से मूर्छनाएं बनती हैं और ग्राम के स्वरों पर मूर्छनाएं विचरण करती हैं। प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि ग्राम तीन प्रकार के हैं जो निम्न प्रकार से हैं। अभी तक मैंने आपको ग्राम के बारे में बताया कि ग्राम क्या है, तो आपको यहाँ बताना है ग्राम एक गांव की तरह है, जिस प्रकार कुछ लोग परिवार के रूप में सदस्य, कुछ सदस्य परिवार के रूप में ग्रुप में, ठीक है, परिवार के रूप में घर बना करके एक गांव में रहते हैं, वैसे ही संगीत में जो ग्राम है उसके अंदर जो श्रुतियाँ हैं उन श्रुतियों पर सात स्वर निवास करते हैं, 22 श्रुतियों पर सात स्वर निवास करते हैं और एक समूह के रूप में रहते हैं, उसे ही हम ग्राम कहते हैं। ग्राम से जो स्वर हैं उनमें मूर्छनाएं जो हैं वो विचरण करती है, तो इसलिए ग्राम और मूर्छना का गहरा संबंध है। और यहाँ पर तीन ग्राम बताए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे प्रश्न आएगा 6 नंबर में, तो देखो आ भी सकता है, ना भी आए तो 4 नंबर, मतलब 3 नंबर में, 2 नंबर में कैसे ना करके आपको मिलेगा। ये भी पूछ सकते हैं कि षड्ज ग्राम बताओ, मध्यम ग्राम बताओ, गंधार ग्राम बताओ, तो कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते आके देखो, तीन प्रकार मैं बता रहा हूँ, एक तो षड्ज ग्राम है, एक मध्यम ग्राम है और एक गंधार ग्राम है। षड्ज, मध्यम और गंधार, ठीक है। षड्ज क्या है भैया, षड्ज का मतलब होता है सा, मध्यम का मतलब होता है मा, ठीक है, और गंधार का मतलब होता है गा, ठीक है। यहाँ पर हम गंधार जो बता रहे हैं, बताऊँगा कि किस क्या मामला है, कैसे क्या है क्या नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं षड्ज ग्राम के बारे में, बात करूँगा षड्ज ग्राम क्या था, कैसे है षड्ज ग्राम, क्या ये आज भी चलता है या नहीं चलता है, वो मैं आपको बताऊँगा, बहुत प्यार तरीके से बताऊँगा, प्लीज़ ध्यान से आपको सुन लेना है। षड्ज ग्राम, वीडियो को स्किप मत करना भाई, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, तभी आपको समझ में आएगा। षड्ज ग्राम क्या है, षड्ज ग्राम भैया होता है सा से आरंभ, ठीक है, षड्ज ग्राम सा स्वर से प्रारंभ होता था, इसका मुख्य स्वर भी सा ही था, वेरी गुड, क्योंकि देखो नाम ही षड्ज है तो सा से इसको हम आरंभ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गंधार है तो गा से वो शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना आपको, लेकिन यहाँ तक पढ़ो जहाँ तक मैं समझा रहा हूँ आपको, इसका मुख्य स्वर भी सा ही था। यह षड्ज ग्राम आधुनिक काल के काफी थाट के समान है, क्यों, क्योंकि षड्ज ग्राम में सारे गामा पाधानी सात स्वर प्राचीन मध्य कालीन स्वर स्थापना के आधार पर 22 श्रुतियों पर स्थापित किए गए हैं। देखो पहले तो ये समझ लो कि ये क्या सीन है, कि यह षड्ज ग्राम आधुनिक काल के काफी थाट के समान है। काफी थाट मतलब ये है कि जो उनके गैप है ना, गैप में मतलब ये है कि नी स्वर जो है वो कोमल है और यहाँ पर गा स्वर कोमल है, मतलब ये सा आ गया हमारा और इधर की तरफ सा, ये सा आ गया, तो जो गा और नी का जो गैप है ना वो
मतलब जो कि ये वो बता रहा है षडज ग्राम को, वो थोड़ा सा संबोधित कर रहा है, मतलब उसकी तरफ इशारा दे रहा है, तो ये बताना चाह रहे हैं वो, ठीक है, कि आज की जो काफी थाट है उससे गावड़नी जैसे है, तो वो श्रुति का जो अंतर है उस हिसाब से ये षडज ग्राम जो माना गया था। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा है कि षडज ग्राम में सारे गामा पाधानी सात स्वर, ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन स्वर स्थापना के आधार पर 22 श्रुतियों पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब मैंने किस हिसाब से स्थापित किए थे अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं अभी फिर से बताऊंगा आपको। षडज ग्राम में स्वरों की श्रुति विभाजन 4-3-2, 4-4-3-2 के अनुसार निर्धारित है, अर्थात सामा पा स्वरों की 4-4 श्रुतियाँ, गावनी स्वरों की 2-2 श्रुतियाँ, रेवधा स्वरों की 3-3 श्रुतियाँ। अब आप कहोगे कि सर जी ये क्या बता दिया, ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा, ये क्या बता दिया भाई, ये कैसे समझें, कैसे सुने, कैसे इसको याद करें। तो अब मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सुन लीजिए, और आप कहोगे अरे वाह वाह सर ये तो बहुत आसान से तरीके से याद हो गया। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ इस लाइन के बारे में, 22 श्रुतियों पर 7 स्वर किस हिसाब से इन्होंने निर्धारित किए हुए हैं। चलो एक बार यहाँ से हम ट्राई कर लेते हैं, ये हमारी इसको हम एक लाइन मान लेते हैं। चलो मैं खींच ही देता हूँ एक लाइन, ये हमने लाइन खींच दी, ठीक है, आगे भी समझाऊँगा आपको ये कैसा है। तो यहाँ पर हम 22 श्रुतियाँ डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। क्लियर? अब देखो इनके जो मैं नंबर दे रहा हूँ नंबर भी आप देख लीजिए, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो साफ तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आपको क्लियर कर लेना। अब देखो इन्होंने ये कहा है कि ये देखो भैया 4-3-2, 4-4-3-2, ये क्या है 4-3-2, 4-4-3-2, ये क्या चीज़ है? तो ये श्रुतियों का अंतर है कि हमारे पास 7 स्वर हैं। देखो कौन कौन से स्वर हैं, सा रे गामा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं। तो ये कह रहे हैं कि 4-3-2, 4-4-3-2 के हिसाब से ये निर्धारित है। तो ये किस हिसाब से निर्धारित करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखो 4-3-2 का मतलब हुआ कि पहली जो श्रुति है, मतलब जो पहला जो स्वर है वो चौथी श्रुति पर है, मतलब जो यहाँ पर आ जाएगा सा। क्लियर? तो ये चौथी पे आ गया सा। इसके बाद ये कह रहा है कि 3 श्रुतियाँ छोड़ के इनका गैप जो है, ये श्रुति अंतर है भैया, श्रुति अंतर, ठीक है, श्रुतियों का जो अंतर है उसको ध्यान से समझना है कि श्रुतियों का अंतर है ये। तो 4 + 3 मतलब हो जाएगा 7, ठीक है, तो रे आ जाएगा भैया 7 पर। तो 7 कहाँ पर है, मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये 4 पे आ गया सा, और फिर 7 आ गया, देखो 1, 2, 3, 3 के बाद आता है 7, ठीक है, 3 श्रुतियों का अंतर है, तो ये आ जाएगा रे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 2, तो 7 के बाद 2 गिनेंगे, 7, 8 और 9, तो 9 पे आ जाएगा गा। क्लियर? फिर कह रहे हैं 4 और गिनो, 4 के बाद मतलब मा आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 मतलब 13 के ऊपर यहाँ पर मा स्वर आ रहा है। उसके बाद कह रहा है फिर 4 गिनो, मतलब 17 के ऊपर फिर ये पा स्वर आएगा, ये गा, ये मा और ये पा। तो मा 1, 2, 3, 4, 17 को फिर हम राउंड कर रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए, ये पा आ गया। फिर कह रहा है 3 का गैप होगा, तो 17, 18, 18, 19, 20, तो 20 के ऊपर फिर से ये धा आ गया। फिर कह रहा है कि 2 का गैप होगा, तो ये लास्ट में जो 20 है, मतलब 20 के बाद जो 22 है, ये नी आ गया। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझो, बहुत आसान है कॉन्सेप्ट। देखो अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 13, ये हो गया 17, ये हो गया 20 और ये हो गया 22। क्लियर? तो अब अगर देखो, अब हम अगर इनकी बात करें तो किस हिसाब से इसको देख पाएंगे, किस प्रकार से इनको समझ पाएंगे, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ
ये 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 ये तो है श्रुतियों के नंबर, जिन श्रुतियों पर स्वर बैठे हुए हैं। जैसे 4 के ऊपर बैठा है सा, 7 के ऊपर बैठा है रे, 9 पे बैठा है गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, क्लियर। लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो श्रुतियों का अंतर क्या होगा, देखो यहाँ से हम बात करेंगे 1 से लेकर 4 पर, तो 1, 2, 3, 4 तो 4 का गैप हो गया, 4 के बाद 3, 4 और 3, 7, 7 और 2, 9, ठीक है, 9 और 4, 13, 13 और 4, 17, 17 और 3, 20, 20 और 2, 22, इस तरह से ये इनके गैप हैं। तो आप इनको समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है श्रुतियों के जो अंतर मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखो सबसे आसान तरीका एक और बता देता हूँ आपको कि आपको कैसे इसको याद करना है। तो ऐसे याद कर लो, 4, 3, 2 एक तरफ, 4, 3, 2 एक तरफ और बीच में 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, ये याद करके जाओ आप। एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, ठीक है, 4, 3, 2, 4, 4, मतलब इसका मतलब वो क्या हुआ, सीधी सीधी सी बात है कि कैसे कैसे स्वर बैठा है, 4, 3, 7, 2, 9, 13, 4, 17, 2, 20, 3, 20 और 2, 22, ये स्वर बैठे हुए हैं, सा रे गा मा पा था और नी, ये स्वर बैठे हैं, सीधी सी बात है, इस तरह को आपको देख लेना। अब देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो आप, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये कह रहा है कि सा मा और पा की 4-4 श्रुतियाँ, मतलब ये सा मा और पा इनकी 4-4 श्रुतियाँ हैं, गा और नी की 2-2 श्रुतियाँ, तो गा और नी की 2-2 श्रुतियाँ हैं, रे और धा की 3-3 श्रुतियाँ, और ये धा, तो हम इस तरह से समझ पाएंगे। अब मैं आगे भी आपको कुछ बता देता हूँ कि किस हिसाब से और भी कुछ चीज़ें हमको देखनी है और कैसे इसको समझें। तो यहाँ पर एक श्लोक है, श्लोक के हिसाब से आप समझ सकते हो, चतुष 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 चैव षड्ज मध्यम पंचमा, मतलब सा मा और पा की 4-4 श्रुतियाँ, चतुष 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 चैव द्वि 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 निषाद गंधारो, मतलब 2-2 जो हैं वो निषाद और गंधार की श्रुतियाँ होती है, ठीक है, इनके जो श्रुतियाँ, और त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो, 3 जो होती हैं वो रे और धा की होती हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, एक बार फिर से देख लो, चतुष 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 चैव षड्ज मध्यम पंचमा, द्वेदे निषाद गंधारो, त्रिस्ति षड्ज धैवतो, ये भी याद कर सकते हो, और जो मैंने आपको बताया 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2 उसको भी पैटर्न से याद कर सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी पैटर्न पे ध्यान देता हूँ और बहुत अच्छे से ताकि समझ में आए, ठीक है। रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है, मैं समझाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से, आगे चलते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर जो चार्ट मैंने बनाया था, जो भी मैंने समझाया था वही है ये चार्ट, ठीक है। इसके अंदर इसको ध्यान से देखो आप, ये चीज़ जो है ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने बताया था सा रे गा मा पा था नी, ठीक है, ये 4th श्रुति पर है, ये 7 पर है, ये 9 पर है, 13 पर है मा, 17 पर जो है पा है, 20 पर है और 22 पर है। इनका गैप देखेंगे ये, तो ये पहले तो ये गैप देखो, 4, 3, 2, 4, 4, 3, then 2, ये गैप है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, प्राचीन काल में षड्ज ग्राम में 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 श्रुतियों पर 7 स्वर निर्धारित थे। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं, प्राचीन काल में षड्ज ग्राम में 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 श्रुतियों पर 7 स्वर निर्धारित थे, ठीक है ना, 7 स्वर इनके ऊपर, ध्यान रखो
4 4 3 2 4 4 3 2 याद करोगे तो ये नंबर आ जाएंगे आपके, क्लियर। 4 3 2 4 4 3 2, क्लियर। यही मैं बताना चाह रहा था आपको। यदि हम आधुनिक मान्यता के अनुसार इन स्वरों को देखें तो गा तथा नी कोमल होने से यह आज के काफी थाट के समान है, जो कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। गा और नी कोमल होने से इन स्वरों को देखें तो इस हिसाब से जो है गा और नी जो है गा और नी जो है कोमल जा रहा है, ठीक है। इस हिसाब से तो आपको, अब कहोगे सर ये तो कोमल तो आपने बताया नहीं, लेकिन इस हिसाब से जा रहा है ये, जो मतलब शास्त्रीय लोग मानते हैं, तो जिसकी वजह से ये काफी थाट के समान जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मध्यम ग्राम के बारे में। मध्यम ग्राम को बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है ना। मध्यम ग्राम को हम बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। षड्ज ग्राम तो मैंने बताया आपको, लेकिन मध्यम ग्राम क्या है। मध्यम ग्राम ये समझ लो, जो 17 नंबर पर आपका पासवर्ड था ना, वो यहाँ पर 16 नंबर पर है, बस इस बात को ध्यान रखना। ये पासवर्ड जो यहाँ 17 पे था षड्ज ग्राम में, तो यहाँ पे मध्यम ग्राम में 16वीं श्रुति पर स्थापित है। जिस हिसाब से जो गैप बन रहा है, वो गैप का जो अंतर है, श्रुति का अंतर है, वो कैसे हो जाएगा, वो ही हो जाएगा। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, ठीक है। अब वो चाहिए 16 पर, पा जो है 16 पर, तो 13 और 3 16 और 4 20 2 22, तो ये जो है ना, ये उल्टा जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। अब गैप जो ये वाला गैप था, ये बदल चुका है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसमें 4 3 2 4 4 3 2 था, इसमें 4 3 2 4 3 4 2 है, क्लियर। 3 4 को आपस में आपने इंटरचेंज कर देना है, तो इस हिसाब से हमारा क्या बनेगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हमारा बनेगा 4 3 2 4 4 7 9 13 16 20 22, क्लियर। ये हमारे नंबर बनेंगे मध्यम ग्राम के लिए। तो अब मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी से, ताकि आपको समझ में आ जाए। मध्यम ग्राम, मध्यम ग्राम मध्य स्वर से, मध्यम ग्राम मध्यम स्वर से प्रारंभ होता था। मध्यम का मतलब माँ, और इसका प्रधान स्वर भी मध्यम स्वर ही था। सेम वही बात है, षड्ज ग्राम षड्ज से, तो मध्यम ग्राम मध्यम से। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर को षड्ज श्रुति के तुलना में एक श्रुति नीचे उतार देते हैं, अर्थात पंचम स्वर जो 17 पे होता था षड्ज ग्राम में, वो यहाँ पर 16वीं श्रुति पर आ जाता है। मध्यम ग्राम में शेष स्वरों की श्रुतियों में अन्य कोई अंतर नहीं होता। मध्यम ग्राम में के स्वर 4 3 7 13 16 20 22 श्रुति पर निर्धारित थे। यह ग्राम आधुनिक काल के खमाज थाट के समान है। खमाज थाट में नी कोमल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नी कोमल बताया गया है, ठीक है। नी जो ये वाला स्वर जो है, ये इन्होंने कोमल बताया है, और जिसकी वजह से ये खमाज थाट से मिलता है। खमाज थाट में नी कोमल होता है, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यही फर्क है कि उसमें जो पंचम था षड्ज में, वो 17वीं पे था, तो यहाँ पर 16वीं पर है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, और बाकी सब सेम है। ये आप करके देख लेना, देखो ये आ गया है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पाँच स्वर था, ठीक है। तो अगर हम इसको हटा दें तो हमारा गैप ये बन रहा था, क्लियर। तो यहाँ पर जो गैप बन रहा था 4 3 2 4 4 3 2 का गैप था, तो वही गैप अब हमने हटा दिया है। ये गैप चेंज हो गया है, क्योंकि स्वर भी बदल गए हैं, श्रुति बदल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, देखो 4
थ्री मतलब सेवन, फिर नाइन है गा, फिर तेरह पर है, फिर सोलह पर पा है, ये उतार दिया है एक स्वर, और बीस पर धा है और ट्वेंटी टू पर नी है। तो ये आपका जो गैप है ये फोर थ्री टू, फोर थ्री फोर टू, ये गैप बन रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से आप लिख करके आना, क्लियर, जो कि मैंने आपको नीचे भी बता दिया है, आप इसको देख सकते हैं। देखो श्रुतियों का विभाजन चार तीन दो, चार तीन चार दो के अनुसार होता था। आधुनिक समय में यदि पंचम स्वर को एक श्रुति नीचे उतारकर गायन वादन करना पड़े तो यह काफ़ी कठिन हो जाएगा, मध्यम ग्राम अब प्रचलन में नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इतना बढ़िया बता दिया मैंने आपको कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आपको बहुत अच्छे से आ ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, वैसे बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। अब गंधार ग्राम तो बहुत आसान है। गंधार ग्राम के संबंध में संगीत शास्त्रों में कुछ विवरण प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि इसका प्रचलन प्राचीन काल में था। इसका नाम निषाद ग्राम था पहले भैया, ठीक है, क्योंकि इसका आरंभ नी स्वर से होता था, लेकिन बाद में गंधार गंधार ग्राम क्यों पड़ा, क्योंकि गंधार जो है, गंधर्व जो देवता लोग हैं वो इसका प्रयोग करते थे, तो धीरे धीरे निषाद ग्राम से गंधार ग्राम में इसका नाम बदल गया। तो गंधार ग्राम के अनुसार पहली श्रुति पर नी, चौथी श्रुति पर सा, सातवीं पर रे, दसवीं पर गा, तेरहवीं पर मा, सोलहवीं पर पा तथा उन्नीसवीं श्रुति पर धा स्थित होता था। मतलब नी पहले आता था इसमें, ठीक है ना, नी पहले इसमें आता था। तो आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ लोग कहते थे देवलोक में गंधर्व इसका प्रयोग करते थे, अतः इसका नाम गंधार ग्राम हो गया। ठीक है, गंधर्व मतलब देवता लोग जो उसको गाते थे, और इसका नाम गंधार ग्राम बाद में हो गया था उनके गाने के साथ साथ। प्राचीन काल में इसका लोप होने लगा, ठीक है, प्राचीन काल में ही इसका लोप होने लगा। इसके विषय में कहा जाने लगा कि यह स्वर्ग लोक स्थित हो गया, क्योंकि यहाँ देवता लोग रहते थे, धरती पर निवास करते थे, और जब यहाँ से जब देवता लोग गए तो स्वर्ग लोक में ही ये स्थापित हो गया, मतलब गंधर्व जो है अपने साथ ही इसको ले गए। इसी कारण इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती। आधुनिक काल में इसका प्रचार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। मध्यकाल में मध्यम ग्राम का प्रचलन भी समाप्त हो गया था। आधुनिक काल में केवल षडज ग्राम का ही प्रचलन है, षडज ग्राम ही प्रचलन है। ग्राम गाया या बजाया नहीं जाता, इससे मूर्छनाएं जाती तथा राग की उत्पत्ति होती हैं। ठीक है, उसी को गाया बजाया जाता है, ग्राम को गाया बजाया नहीं जाता, इससे तो सिर्फ मूर्छनाएं राग और जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ गए हैं। गंधार का मतलब वो हुआ जो गंधर्व लोग गाते थे उसको गंधार कहते हैं, वैसे इसका नाम निषाद ग्राम था, लेकिन बाद में गंधर्व है ना, गंधर्व गाने लगे तो गंधार ग्राम हो गया, और जैसे गंधर्व यहाँ से गए तो स्वर्ग लोक में अपने साथ इसको ले गए, और ये आज हमारे संगीत में है ही नहीं। प्राचीन काल में इसका लोप हो गया था, तो कभी भी इसका विवरण नहीं मिलता है, इतना ही होता है, बस ये था कभी और चला गया, बस इतना था। ठीक है, तो आपको इसका बताना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, छोटा सा पढ़ लेते हैं, ये कुछ लिखा हुआ है कुछ अच्छे तरीके से, कि हम ग्राम को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। एक सप्तक में कुल 22 श्रुतियाँ होती हैं, एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं, और 22 श्रुतियों के बाद अगला सप्तक, मतलब सप्तक मैंने आपको बता रखे थे, आई थिंक आपने 11th में पढ़ा होगा, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, लो ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव एंड हाई ऑक्टेव। ठीक है, सब में 22 श्रुतियाँ, 7-7 स्वर होते हैं, तो 22 श्रुतियाँ जो हैं एक सप्तक में होती हैं। निश्चित अंतर या स्थित 7 चुनी हुई श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना होती है, निश्चित चुनी हुई जो श्रुतियाँ हैं उन पर 7 स्वरों की स्थापना होती है, जिसे हम ग्राम कहते हैं। यदि किसी एक स्वर को एक श्रुति ऊपर या नीचे कर दे तो ग्राम बदल जाएगा, एक श्रुति नीचे ऊपर नीचे भी हो गया तो ग्राम बदल जाएगा। इस प्रकार जो 7 स्वरों की धुन मतलब ट्यून सुनते हैं वो भी बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी जी। स्वर अगर आपने ऊपर नीचे कर दिए, इसी हिसाब से क्या होता है, थाट जो बदल रही हैं, राग जो बदल रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लो प्राचीन काल में ऐसा होता था, अगर श्रुतियाँ इधर उधर कर दी, आपने स्वर को उतार दिया तो ग्राम बदल जाता था। तो ऐसे ही राग है, राग में भी क्या होता है, स्वरों को इधर उधर करने से राग बदल जाता है। इस प्रकार स्वरों की सेटिंग के हिसाब से गायन वादन बेहद कठिन हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथों में 3 ग्रामों का उल्लेख तो है, किंतु गंधार ग्राम का वर्णन ना के समान है। मध्य काल से ही समय में ही मध्यम ग्राम का चलन भी समाप्त हो गया। आज हम जो संगीत के 7 स्वर सुनते हैं वो षडज ग्राम, उसे षडज ग्राम हम
कहते हैं। बहुत आसान भैया बात है ये कि 22 पर जो सात स्वर, जो 22 श्रुतियों पर सात स्वर स्थापित हैं, निर्धारित हैं, वही ग्राम कहलाते हैं। इधर उधर अगर आपने स्वरों को, श्रुतियों को कर दिया तो ग्राम बदल जाएगा, काफ़ी कठिन हो जाएगा गाने के लिए। तो जो हम बात कर रहे हैं, गंधार ग्राम आज हमारे बीच में नहीं है, मध्यम ग्राम भी चला गया था। तो आज जो हम गा रहे हैं, गा बजा रहे हैं, जो संगीत हमारा जो चल रहा है, वो षडज ग्राम के अंतर्गत आ रहा है। आज सप्तक के सभी 12 स्वर एक दूसरे के समान अनुपातिक दूरी पर स्थित होते हैं। बिल्कुल, मतलब आजकल कुछ भी आप इधर उधर एडजस्ट नहीं कर सकते हो, कोई श्रुति उतरेगी नहीं। वो रे जो है रे की जगह पर है, गा जो है गा की जगह पर है, तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। अनुपातिक दूरी मतलब इक्वली टेम्पर्ड, ठीक है, बिल्कुल बराबर होती थी। तो भैया इसी प्रकार का ये प्रश्न है, ग्राम प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है, तो मज़ा आ जाएगा आपको ये सुन करके। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें। ग्राम के बारे में मैंने बता दिया, गांव के बारे में बता दिया मैंने, गांव और ग्राम का मैंने संबंध बता दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने तीन ग्राम बता दिए हैं कि षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। 22 श्रुतियों में सात स्वरों का निवास मैंने आपको बता दिया है। षडज ग्राम की श्रुतियाँ जो मैंने आपको बता दी है 4-3-2, 4-4-3-2, और मध्यम ग्राम की जो श्रुतियाँ मैंने बता दी हैं, अंतर बता दिया है 4-3-2, 4-3-4-2 के हिसाब से बता दिया है। और गंधार ग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये अब है ही नहीं, ये चला गया है, और बाकी भी हम इसको समझ सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत तरीके से, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं बहुत सारे प्रश्न आपके बीच में लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। आज का जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा हो गया, कब से मैं बोल रहा हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आई थिंक 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख तो जरूर लेते हैं, नंबर भी अच्छे ले आते हैं, लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।